जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी पूर्णिमा दास के पक्ष में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एग्रिक स्थित ट्रांसपोर्ट मैदान में एक सभा को संबोधित किया। यह सभा का आयोजन महिलाओं के लिए किया गया था और इसका नाम नारी शक्ति महिला सम्मेलन दिया गया था। आयोजन में हजारों हजार की संख्या में क्षेत्र की महिलाएं उपस्थित रहीं। मौके पर जिला महिला भाजपा की तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य रूप से यहां झारखंड राज्य में महिलाओं पर हुए अत्याचार एवं घुसपैठियों के मुद्दे पर तमाम नेत्री ने अपनी बातें रखी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भारत माता की जय के नारे के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है बल्कि अपने भविष्य को चुनना होता है। इससे पूर्व जब एनडीए की सरकार झारखंड में थी तो महिला सशक्तिकरण हेतु कई योजनाएं चल रही थी जिसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग मिला था। इस बार भाजपा रोटी बेटी और माटी की रक्षा का संकल्प लिए चुनावी मैदान में उतरी है। आप भाजपा को विजयी बनाएं। आप सबको अपना भविष्य चुनना है, झारखंड का भविष्य चुनना है, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, महिलाओं का भविष्य संरक्षित और सुरक्षित करना है। तो इसके लिए आप सबको मतदान करना है। आप सभी को पता है कि इसके पहले जब 5 साल पहले जब हमारी सरकार थी और माननीय रघुवर दास जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, महिला सशक्तिकरण के दिशा में कई कदम उन्होंने उठाया। देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार आपने उनको चुना और लगातार ये उनका अपने जो इस कार्यक्रम का तुरंत अपनी सरकार थी तो राज्य में इसका इम्प्लीमेंटेशन होता था। तो आज हमारी सरकार, जब हमारी सरकार बनेगी जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो संकल्प है उस संकल्प पत्र के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे गोबर दीदी योजना। तो हम माँ और बहनों को, माँ और दीदियों को कि क्या एक महिला का क्या काम है। दिन भर महिला घर में काम करती है लेकिन शायद इनके काम का कोई हिसाब नहीं होता। सुबह सबसे पहले वो जगती हैं और रात को सबसे लास्ट में वो सोती है, बड़ी ताकत रखती है क्योंकि हम महिलाएं हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मुख्य सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर अपनी मुख्य भूमिका रखती है और हम ही हमारे समाज की आधारशिला भी है। आपको बताना चाहूंगी कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही मानना है कि हमारे राष्ट्र का सर्वोच्च विकास तभी संभव है जब हमारी महिला शक्ति का विकास होगा, जब हमारी महिला शक्ति को शिक्षा, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से उन्हें अधिकार संपन्न बनाया जाएगा। महिलाओं का सिर्फ विकास करना ये तो मुद्दा है ही, पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया कि सिर्फ महिलाओं का विकास करना ही मुद्दा नहीं है, महिलाओं का नेतृत्व वाला विकास होना मुद्दा है। क्योंकि हमने पुरुष पक्ष में बहुत नेतृत्व देखे हैं, अब अवसर है महिलाओं का नेतृत्व करने की। हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का नेतृत्व अब महिला शक्ति के हाथों में होना चाहिए। जब हम महिलाएं अपना घर परिवार सुसंस्कृतित सुव्यवस्थित ढंग से चला सकती है तो हम अपने समाज को भी दशा और दिशा दे सकती है। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूँ मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल
बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, सलूजा गोल्ड टीएमटी बार मजबूती सब कुछ है।